नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, यूपी SSSC की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने निकल के आ रही है। तकरीबन 52,000 वैकेंसी इस साल आपके मार्च में निकलने की संभावनाएं हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन मार्च में ही तकरीबन निकल जाएगा, और जो उम्मीद की जा रही है कि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, क्या बाहर स्टेट वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके कौन से पोस्ट पा सकते हैं, कितना सैलरी होगा, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे एक पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि 52,000 वैकेंसी की बात की जा रही है कि इस साल आपके मार्च जो महीना है उसमें नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, UP SSSC एक ऐसी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो आप बोल सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी तमाम लगभग एग्जामिनेशन कवर होते हैं। बी और सी के जितने भी पोस्ट होते हैं UP SSSC कवर करता है, और 52,000 वैकेंसी का मतलब होता है कि काफ़ी मात्रा में इसमें वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, किस किस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी आएंगे ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो स्टेनो का पोस्ट आता है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है, JEE वीडियो क्लर्क, लेखपाल, फार्मिस्ट, और बहुत सारे तरह के जैसे कि फीटर वगैरह टाइप का होता है, टेक्नीसियन टाइप का पोस्ट होता है, फार्मेसी में पोस्ट होता है, नर्स में पोस्ट होता है। तो मतलब कि जितने भी आप कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है, जैसे BCom किया है, BTech किया है, डिप्लोमा किया है, या नर्सिंग में कोई आपने डिप्लोमा किया है, MBBS किया है, तो ये सब जितने भी आपके होते हैं, या आप सिंपली ग्रेजुएशन किए हैं, 12th किए हैं या 10th किए हैं, तो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्ट आया है, उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देख लेते, ये तो रहा, इसमें बहुत सारे पोस्ट है, ये कुछ एग्जाम्पल है, ETC मैंने लिख दिया है, बहुत सारे हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपके पोस्ट आते हैं। सबसे बढ़िया ये वीडियो वाला पोस्ट है, या JEE कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें मतलब कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर भी अच्छे खासे मतलब कि अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि थोड़ा आपको पता ही है कि अंदर का इसमें चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका एज जो लिमिट है वो स्टेट में ऑब्वियस है कि बढ़ जाता है, 40 इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। और हाँ, ये वाला चीज़ है OBC SC ST के लिए अलग से हो जाती है, यानी कि उसमें आरक्षण मिल जाती है, लेकिन अगर आप SC ST बाहर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे आरक्षण नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल के कैंडिडेट मानेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष तक ही वो लेगा। ठीक है, यानी कि बाहर के, जैसे बिहार के स्टूडेंट, या बिहार के, या राजस्थान के, या मतलब कि और भी UP छोड़ के कहीं से भी अगर इसके फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो वो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, मैंने बता ही दिया कि 10th पास पे बहुत सारे वैकेंसी इसमें निकलते हैं, 12th पास पे बहुत सारे, जैसे लेखपाल वगैरह में भी बहुत सारे आते हैं, डिप्लोमा टाइप के JEE वगैरह में अगर आप भरते हैं तो, और डिप्लोमा अगर आप JEE में भरते हैं तो आप जो BTech है उनको अलाउ नहीं करता। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं इंजीनियरिंग में, वो JEE के पोस्ट के लिए तो एलिजिबल होते हैं, लेकिन BTech होल्डर JEE के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ये जो इलाहाबाद का न्यायालय है उसने ये डिसीजन दिया था। फिर ग्रेजुएशन पे भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, PG पे भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, BE कर रखा ग्रेजुएशन में, या BCom कर रखा, BA कर रखा, BSc कर रखा, मतलब ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे तरीके के होते हैं ना ग्रेजुएशन, तो डिपेंड करता है कि किस तरह के वैकेंसी आए। अगर फार्मिस्ट का वैकेंसी आई तो उसमें सिर्फ अगर आप BA कर रखे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप भर ही नहीं पाओगे, तो उसके लिए अलग से जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो अगर आपने कर रखा है तो आप भर सकते हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि, और कुछ पोस्ट पर आपको टाइपिंग की आवश्यकता हो सकती है, क्लर्कियल जो पोस्ट होते हैं उस पर आपको टाइपिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, UP SSSC एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक पेड़ है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है ये सब पोस्ट। ठीक है, और उसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो जनरली सभी का सिलेबस ये होता है, हिंदी, GK और मैथ्स, इसमें इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, और हिंदी कंपलसरी होता है, ये नहीं कि ऑप्शनल होता है, हिंदी, GK, मैथ्स कंपलसरी होता है, और रीजनिंग यहाँ पर छूट गया, रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग,
ये कंपलसरी सभी लगभग पोस्ट में होते हैं। बाकी तो उसके बाद आपके, अगर आपने जेई का फॉर्म अप्लाई किया है तो जेई के लिए जो आपके सिलेबस होंगे वो तो होंगे ही, यानी कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जनरली ये वाला जो सिलेबस है, चार मतलब कि सेक्शन, वो सभी में कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के पेपर होंगे, पीटी होगा और मेंस होगा। पहले सिर्फ पीटी होता था, यानी कि उस एक ही पेपर पे आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार आपका पीटी और मेंस दोनों होगा। और ये जो पीटी और मेंस होगा दोनों ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि दोनों आपके OMR शीट पे बबल्स रखने वाले आएंगे पहले। लेकिन अभी कवायद क्या चल रही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, इस तरह से भ्रष्टाचार ना हो फैले, क्यों चीटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा चल रहा है कि आपके CVT बेस्ड लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, अभी तक OMR शीट पर ही लिया गया है, तो हो सकता है भविष्य में अगर इसमें आए तो हो सकता है कि आपके CVT बेस्ड भी हो सकते हैं, ये संभावनाएँ हैं, ठीक है। और अगर बात करें सैलरी की, तो एवरेज कोई भी पोस्ट आप यहाँ से उठा लीजिएगा, 25,000 से सभी का ऊपर ही है, यानी कि मैंने प्लस लिखा है। जेई का तो ओबीएस से ज़्यादा ही रहेगा, MBBS से डिग्री ले रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कोई पोस्ट मिलते हैं, वीडियो के पोस्ट मिलते हैं, तो ओबीएस है कि ज़्यादा ही होगा। तो मिनिमम की मैं यहाँ पर बात किया हूँ कि 25,000 मिनिमम आपको अलाउंस वगैरह सब मिला के 25,000 मिनिमम मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न अभी मैंने बताया, OMR होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे, और 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। ये आपके जनरल, मतलब कि सभी के लिए नहीं, मतलब कि जनरल जो आपके ये वाला जो PT होता है ना, सभी में लगभग PT तो होंगे ही, तो उसमें 1/4 निगेटिव होता है, और 100 में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और आपके 120 मिनट दिए जाएंगे। तो ये है थोड़ा सा आउटलुक कि UPA SSSC 2021 में जो कुछ वैकेंसी आएंगे उसके इतना पॉइंट तो आपके डेफिनेट है। हाँ, वो अलग बात है कि लेखपाल के लिए आएंगे तो उसका और भी कुछ ऐड किया जा सकता है, या आपके JEE के लिए आए, या रिवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए आए, या फार्मासिस्ट के लिए आए, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये वाला कॉमन होती है, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप वेट कीजिए, आपका यूपी में वैकेंसी बाबा जी लाएंगे ही, ठीक है। वो अलग बात है कि आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे कि 2020 बहुत मुश्किल से कटा है, वहाँ पे वैकेंसी आई नहीं, मतलब कि कहीं भी नहीं आई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सभी लोग लॉक थे, तो कैसे वैकेंसी आती, कैसे एग्ज़ाम दिए जाते। लेकिन हाँ, 2021 है, आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2021 में जितने भी बैकलॉग वैकेंसी है, या आप कह सकते हैं जितने भी वैकेंसी 20 में आने वाले थे वो इकट्ठे आनेंगे, तो आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यूपी के बंदे हैं तो ठोक के मारिएगा लाइक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।